शिवनाथ नदी के महमरा घाट में नदी किनारे डूबकर दर्जनों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ दिनों पूर्व ही लगभग 13 वर्ष के बच्चे की भी नदी में डूबकर मृत्यु हो गई थी। लंबे समय से इस जगह में इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने इस घटना स्थल पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों का बारीकी से निरीक्षण किया और एक गोताखोर के साथ चर्चा करते हुए दुर्घटना के कारणों को जानने की कोशिश की। गोताखोर के द्वारा बताया गया कि घाट में बनी सीढ़ियों के खत्म होते ही लगभग 12 फीट के गहरा गड्ढा होने के कारण लोग अज्ञानतावश उस गड्ढे में डूब जाते हैं। न्यूज टीम को गोताखोर दुर्घटनाओं के कारण कुछ इस तरह से बताए, देखिए खास खबर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। आज हम पहुंच चुके हैं महमरा घाट में। जी हाँ, शिवनाथ नदी का ये महमरा घाट, जहाँ पर काफी सारी दुर्घटनाएं हो चुकी जिससे कई सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज हमारे साथ एक गोताखोर है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे यहाँ पर इस तरीके की दुर्घटनाएं होती है। जी आप बताएंगे सर कि क्या कारण है कि इस जगह में दुर्घटनाएं इतनी ज़्यादा होती है? एक कारण है, तीन चार सीढ़ी है और उसके नीचे खाई है, 10-12 फीट का गड्ढा है। उसको लोग नहीं समझ पाता क्योंकि पानी में दिखाई नहीं देता है। नहाने के बहाने में और सीढ़ी ऐसे जाता है, दो तीन सड़क बाद गहराई है। तो ये गड्ढा कहाँ पर है, किस जगह में है, कैसे समझ में आएगा कि ये गड्ढा किस जगह पर? यहाँ वहाँ से ना पूरा यहाँ तक के है, वहाँ से यहाँ तक के। ये जो स्थिति है ये सिर्फ इसी तरफ है कि पार करने के बाद उस जगह पे फिर इसी तरीके वो भी तरफ है, उस तरफ भी है पूरा। तो क्या होता है जब कोई नहाने अगर आता है तो एक्चुअल उस समय होता क्या है ये बताएंगे? ये नहाता है ना तो लोग क्या समझता है, एक दो सीढ़ी और है, मतलब तीन सीढ़ी है यहाँ पास अभी पानी भरा में, तो और सीढ़ी है कि आगे जाता है ना तो खाई मिलता है उसको, तो डूब जाता है तो ऊपर नहीं आ पाता, उसी में दुर्घटना होता है। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ जो ये दिखाई दे रही है, ये लगभग कितनी लंबी सीढ़ियाँ होंगी, किस तरीके से लोग यहाँ पर आके और कैसे यहाँ पर इतना नीचे तक जाते हैं? पानी हर वक्त इतना ही भरा रहता है कि इससे कम ज़्यादा भी? कम ज़्यादा होता है पानी, कम भी रहता ना पानी फिर भी दुर्घटना होता है। दो तीन सीढ़ी है तो एक सीढ़ी अभी हटा भी जाएगा ना, दो सीढ़ी रहेगा, तीसरा सीढ़ी में जाएगा, उसके बाद चौथा सीढ़ी है कि एक ना नीचे चला जाता है, 10-15 फीट गहराई है। ठीक है, आप कई बार बतौर गोताखोर आप लोगों ने कई लोगों की यहाँ पे जान बचाई है, किस तरीके से आपको लगता है यहाँ पर क्या बचाव, कैसे बचा जा सकता है इन सारी घटनाओं से? इसमें हम लोग बचाते हैं ना तो कुछ नहीं देखते, हम पास सीधा ही नहीं है तो कभी तौड़ते ही चले जाते हैं, कभी हमारे पास वो ट्यूब है जो ट्रक का ट्यूब, उसमें जाते हैं बचाने के लिए। कहने का मतलब कि ये एक भौगोलिक स्थिति है, इसको हाँ। किसी तरीके से सुधारा नहीं जा सकता, सिर्फ इससे बचाव किया जा सकता। ठीक है, फिर भी जो लोग यहाँ पर आते हैं नहाने, उनको किस तरीके से, जो नहाने या घूमने फिरने पिकनिक मनाने के हिसाब से आते हैं, दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, क्या उनको किस प्रकार से बचाव अपना कर सकते हैं? इसमें बचाव ये कर सकते हैं सर, इसमें कुछ मार्क लगाना चाहिए नहाने के लिए, जैसे कि इतना दूरी में जाना नहीं है, जैसे कि महादेव घाट में है, इस टाइप के लगाएगा ना। अच्छा, मार्क लगा के बचाव के लिए निर्देशित किया जा सकता है। हाँ ठीक है, आप बताएंगे क्या लगता है किस तरीके से दुर्घटनाओं से बचा सकता है और दुर्घटनाएं होती क्यों है? ये भाई बोल रहे हैं ना, वो सही वैसी टाइप में हो, ठीक रहे हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले भी मैं एक बच्चा दुर्घटना का शिकार हुआ, वो कैसे हुआ था, क्या हुआ था? वो नहाते हुए वो तौरने नहीं आया, कूद गया पानी, सब देख रहा है बच्चे लोग कितना कूद रहे हैं, उसी के लालच में वो भी कूद गया। अब उसको तौरने नहीं आया तो अंदर मार गया, बैठ गया नीचे बैठ गए। उस वक्त घटना के समय आप लोग आए थे? नहीं, उतना समय तो नहीं रहने आए थे, निकालने के लिए आए थे। कुल मिला के इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए मार्किंग होना जरूरी है, जो कि अभी तक यहाँ पर किसी भी प्रकार की मार्किंग नहीं है, नहीं। ये आप मानते हैं? हाँ। आज हमने शिवनाथ नदी में गोताखोरों के जरिए जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से यहाँ की जो हो रही है दुर्घटनाएं, अभी कुछ दिन पहले भी एक 12-13 साल के बच्चे की यहाँ डूबने से मृत्यु हो गई, तो किस प्रकार से आने वाली फ्यूचर पे निगम या सरकार यहाँ पे किस प्रकार का स्टैंड लेती है, ये देखने वाली बात होगी। एशियन न्यूज की इस खास खबर बने रही है। धन्यवाद।